ये भी कहा जाता है चीन की सीमा जितने देशों से लगती है उससे ज्यादा देशों पर वो अपना कब्जा जताता है कि या क्लेम करता है। साउथ चाइना सी की भी बात करें तो वहां भी तमाम देश उससे परेशान है, हर किसी से उसने विवाद मोल ले रखा है। देखिए, चीन ने पिछले साल 2019 में एक अपने पॉलिसी अपनाई थी कि 2050 तक चीन विश्व की एक सबसे बड़ी ताकत बन के निकल आएगा, और उसके बाद से ही हमने देखा कि सबसे पहला तो उनका पॉलिसी जो उन्होंने अपना प्रोनाउंसमेंट किया वो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू हुआ कई देशों में जो है, जहां जिनको पहले और जगहों से, चाहे विश्व संस्थाएं हों, वर्ल्ड बैंक जैसी, या और जो अच्छे आर्थिक स्थिति वाले देश हों, उनसे ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था, तो चीन से पैसा मिलना शुरू हुआ तो बड़े खुश हुए। लेकिन उसमें बाद में देखा कि चीन का जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत जबरदस्त 7 या 8% होता था, और कई बार प्रोजेक्ट्स ऐसी होती थी कि पैसे नहीं दे पाते थे। तो एक तो तरीके से ये देखा जाएगा कि चीन ने जब पूरे विश्व में अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पॉलिसी अपना के जो है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी चीन से जोड़नी चाहिए। दूसरी चीज ये कोविड का महामारी फैली, और जहां जहां ये BRI का प्रभाव फैला था वहां सबसे ज्यादा कोविड फैला। तीसरा, उन्होंने जो है जो उनके साउथ चाइना सी में जो आइलैंड से जो डिस्प्यूटेड आइलैंड माने जाते थे उस पे उन्होंने पहले वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट वगैरह बनाने की बात चलती रही थी आसियान के साथ में, और ये बात था कि अगर कोई इकोनॉमिक कार्रवाई करना चाहे तो उसको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, और बाद में जब भी मसला हल होगा तब देखा जाएगा कि किस प्रोपोर्शन में जो है उन चीजों को, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को शेयर किया करना चाहिए। लेकिन चीन ने पिछले कुछ सालों में अपने उन सब द्वीपों को मिलिटराइज करना शुरू कर दिया, नेवल इंस्टॉलेशंस बना दिए, उन्होंने एयर डिफेंस के लिए भी उन्होंने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी कि ऊपर से भी कोई हवाई जहाज नहीं गुजर सकता है, और उसके साथ ही साथ खाली अपने पड़ोसी देशों के नहीं बल्कि जो उनके द्वीप समूह जो बहुत दूर दूर पड़ते थे, जैसे इंडोनेशिया का नटुना हुआ या ऑस्ट्रेलिया के हुए कोई द्वीप, वहां पे भी जाके उन्होंने सबसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो या तो ये समझ सकते हैं कि दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो चीन जो है अपने को नंबर वन पावर बनाने के लिए दिखाना चाहता है सब देशों को कि वो जो है चीन को एक किसी तरह से ज्यादा इज्जत दें, और दूसरा वो अमेरिका के साथ में या और जो पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उनसे अपने को अलग हटाएं। और मैं इसमें यह भी कहूंगा कि इसमें अमेरिका के साथ भी ये बात रही है कि अमेरिका ने बहुत कई देशों के साथ में मित्रता और बढ़ाने का प्रयास तो किया है, लेकिन जब भी कभी उन देशों को, जैसे फिलीपींस के साथ में हुआ, अमेरिका ने बहुत उनको सहायता देने का करा कि आप लॉ ऑफ द सी, उसमें ट्राइब्यूनल में जाइए जो आपका झगड़ा है इसका साउथ चाइना सी के बारे में, और वो जीत भी गए। लेकिन बाद में उनको उनको यही लगा कि चीन के साथ में बायलैटरल तरीके से मसला हल कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं कहूंगा ये कि धीरे धीरे करके जो साउथ चाइना सी के मसले पर भी जो पड़ोसी देश थे ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने चीन के साथ में मिलजुल कर अपना आपस में मसले हल करने का प्रयास किया। इसी तरीके से जो आसियान के देशों का और देशों के साथ में संबंध बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बन रही थी, वहां पर भी चीन ने अपना हावी होने का प्रयास किया उन सब देशों के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि खास करके जो ये ताइवान और हांगकांग के मसले पर उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव रवैया अपनाया है, तो वो समझता हूँ कि वो बहुत उनको उसकी वजह से पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश गया है कि चीन जो है इस समय शांति से नहीं बल्कि वो हर तरह वायलेंस या किसी तरीके से बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने सुपीरियोरिटी को कायम करना चाहता है। तो ये मेरे ख्याल से सब देशों में एक तरीके से चिंता का विषय बना हुआ है, और अब आवश्यक हो गया कि भारत के लिए, चाहे वो बायलैटरल तरीके से चीन को एक अच्छा स्ट्रांग जवाब दे जहां कहीं भी चीन आगे बढ़ने का प्रयास करता है, दूसरा आर्थिक रूप से देखे, क्योंकि हमारे पास जो $90 बिलियन का अगर हमारा उनके साथ में व्यापार होता है तो उसमें हम देखते हैं कि करीब करीब 80-85% फायदा चीन को हो रहा है। तो एक तरीके से हमारे यहाँ अंदरूनी तौर से बड़ा इसका वो डिबेट चल रहा है कि क्यों हम चीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि वो हमारे पर इस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर करता है और हम उसकी आर्मी को और मजबूत करते हैं, क्योंकि जितना हमारा डिफेंस बजट है उससे ज्यादा हम उसको पैसा दे देते हैं।